हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? दिस इज़ ब्लॉगर जिया। कुछ दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया। आप लोग सभी जानते हैं कि इंडिया में अभी बरसात हो रही है, अलग अलग जगह में बारिश हो रही है, तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है, जिसके वजह से मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। वेरी सॉरी फॉर दैट। और हाँ, हमसे रेगुलर बनेगा ब्लॉग। और अभी सुबह का 7:30 बज चुका है, मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, जिसके लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, फ्रेश भी हो चुका हूँ। और अभी बारी है कि मैं अपना जो भी नेसेसरी चीज़ है, इंक्लूडिंग आईडी कार्ड्स, मैं इसको लेते हुए लेके मैं निकलूँगा अभी। और ज़्यादा वीडियो को बोरिंग नहीं बनाते हुए मैं कुछ कुछ, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, मैं कुछ कुछ सीन आप लोगों को दिखाऊँगा, और बाकी बात मैं आप लोगों को ऑफिस से आने के बाद ही बात करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहना चाहता हूं, दिखाना भी चाहता हूं। जैसे मेरा डेली रूटीन हो गया, मैं क्या काम करता हूं, कैसे करता हूं, ये सब चीज़ें मैं धीरे धीरे मैं बताऊंगा। और आने वाला भी इससे के रिलेटेड वीडियो, सो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक के लिए आप लोग भी अपना डेली जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप लोग भी जाइए, आप लोग भी अपना ड्यूटी करिए। आने के बाद ही फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बात करते हैं। दोस्तों, मैं अभी ड्यूटी से आ चुका हूँ और अभी 7:30 बज रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि बाहर जाता हूँ, कभी धूप कभी बरसात, तो इसीलिए सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन से मेरा सेल्फ केयर रूटीन छूटा हुआ था, मतलब मैं नहीं कर रहा था, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। और बाहर से आने के बाद क्या होता है, फेस ऑयली हो जाता है, डल हो जाता है डस्ट के कारण। सो इसीलिए मैं सेल्फ केयर स्टार्ट किया हूँ फिर से। सो जो डेली मैं करता हूँ, इसी तरह आज भी मैं फेस में लगाने वाला हूँ अपना प्यारा मुल्तानी मिट्टी, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा से ही लगाता हूँ। इससे एक तो फ़ायदा ये है कि फेस की जो भी ऑयलिंग है, एक्सेस ऑयलिंग है, वो आपको रिमूव करने में मदद करेगी। मेरा तो ख़त्म हो गया मुल्तानी मिट्टी, मेरी बीवी सोई है, मैं उसका चुरा के लगाने वाला हूँ। अगर उठ के देख लेगी तो बवाल खड़ा कर देगी, इसीलिए वो अभी सोई हुई है, जल्दी से मैं लगा लेता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ लगाने का तरीका। एक बॉल में हम लोग थोड़ा सा पानी, और थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, और यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप का सामान सब है। एक हाथ से खुल नहीं रही है भाई, खुल गई है। थोड़ा छोटा हिस्सा हम लोग इसको डालेंगे इसमें। अब अगर ज्यादा डालोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा डाल के कोई फायदा है नहीं। मेरे लिए इतना काफी है, और थोड़ा सा डाल देते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से पानी थोड़ा ज्यादा है, पानी को मैं फेंक दूंगा थोड़ा सा, बस काफी है। अब मैं आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ। इसको फूलने में कम से कम इसको 5 मिनट चाहिए, ये फूल जाएगा। उसके बाद हाथों से मेस करके इसको अप्लाई करना है फेस में, और फिर इसको आप 15-20 मिनट तक का रख सकते हैं, उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं इसको। ये फूल का तैयार भी हो गया है, मैं मेस भी कर लिया हूँ। अब मैं इसको अपने फेस के ऊपर लगाने वाला हूँ। लगाने के बाद फिर मैं इसको 20 मिनट में रखूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश कर लूंगा।
आप लोग से और एक बात कहनी थी। कल मैं अपनी वाइफ के साथ एक मॉल गया था, क्योंकि मेरी वाइफ को बाहर शॉपिंग करना था और कुछ हम लोग आउटफिट भी खरीदे थे। बेसिकली मैं जाता नहीं हूँ मॉल में, दुकान से ही मैं खरीदता हूँ। अलग अलग पर्सनल अलग अलग चॉइस है, तो मुझे दुकान से खरीदना पसंद है। तो बीबी बोली कि चलो हम लोग मार्केटिंग करके आते हैं। तो मॉल में गए हम लोग और कुछ आउटफिट खरीदे। उसके बाद दो तीन शॉप से हम लोग शॉपिंग किए थे। आज एक कॉल आता है एक नंबर में, वो लड़की कहती है कि आपने जो यस्टरडे शॉपिंग किए थे आप, उसके लिए आप प्राइज जीते हैं। चार कैटेगरी के प्राइज हैं, एक गोल्ड कॉइन है, एक सिल्वर कॉइन, एक 10,000 का हॉलीडे वाउचर और एक 4,000 का ब्यूटी पार्लर का कूपन था। तो वो कहती है कि आपको आना पड़ेगा इसको रिसीव करने के लिए। एड्रेस भी भेजिए मेरे को और लोकेशंस भी है। तो गाइस आप लोग मुझे सजेस्ट करिए, क्या मुझे जाना सही रहेगा? क्या कहीं ये तो कोई मैं फ्रॉड के चक्कर में तो फंसने वाला नहीं हूँ? तो देखते हैं आप लोगों का कॉमर्स कैसा रहता है, उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी इसको लगा लेता हूँ पूरा फेस में अच्छी तरह से, फिर मैं उसको 20 मिनट तक का रखने वाला हूँ, फिर मैं इसको वॉश कर लूँगा। कोई भी जगह छूटना ही नहीं चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा इसको मेस किया था। इसका और एक फायदा है दोस्तों कि ये आपकी स्किन को टाइट करने में भी मदद करता है। देखता हूँ, पर मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे फर्क भी समझ में आता है। मुझे लगाने के बाद जब मैं वॉश करता हूँ तो जो भी ऑयल्स हैं सब धुल जाते हैं। ओट में भी लगा ले रहा हूँ। गाय जी अच्छी तरह से लग चुकी है। अब मैं इसको 15 मिनट 20 मिनट रखूंगा, उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट और इम्पैक्ट क्या है। चलिए वॉश करने के बाद ही बात करते हैं। मैं अभी फेस वॉश करके आ गया हूँ, आप देख सकते हैं क्लीन दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, कैमरा के वजह से शायद आपको नहीं दिख रहा है। मैं अच्छी तरह से मुंह को पोंछ लेता हूँ। दोस्त ये था एक छोटा सा ब्लॉग मेरा डेली रूटीन केयर के बारे में। मैं आपसे और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मेरा कुछ ऑफिस का काम भी पेंडिंग है, मुझे कुछ मेल वगैरह भी रेज करना है, रिपोर्टिंग भी करनी है, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा। और अभी जो हालात हैदराबाद में स्पेशली, बारिश का कोई भरोसा नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब कट जाए, फिर ऑफिस की काम भी पेंडिंग रह जाएगी, इसीलिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, ऑफिस का काम भी ज़रूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे का कुछ बनाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।